पिछली क्लास में आपने वर्धमान और ह्रासमान फलन का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था, उसमें से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज। कुछ भी करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं कि ह्रासमान और वर्धमान में जो कुछ पढ़ा उसको समराइज कर लें जरा दो मिनट में। जैसे आपने एक पढ़ा सबसे पहले निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसके लिए आपने एक कंडीशन पढ़ी कि इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, वेयर एक्स वन एक्स टू बोथ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर या कोई ओपन इंटरवल हो सकता है वहां से है, इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स टू। ये निरंतर वर्धमान की शर्त। इसी में एक चीज और पढ़ी कि अगर कोई फलन निरंतर वर्धमान है तो उसका जो प्रथम अवकलज होगा इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इसका मान हमेशा ही जीरो से बड़ा रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक। दूसरा हमने पढ़ा केवल वर्धमान, सिंपल जिसको हमने इंक्रीजिंग फंक्शन बोला था, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस वर्धमान फलन में जो कंडीशन आपने देखी वो ये देखी हुई थी इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। इसमें इज लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा कि ये एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू से या तो छोटा होगा या तो इसके बराबर होगा। इसमें भी दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि उस फलन का जो पहला अवकलज होगा उस इंटरवल पे इसकी वैल्यू या तो जीरो से बड़ी आएगी और या तो जीरो के बराबर आ जाएगी। ठीक है। ये तो हमने बात कर ली वर्धमान फलन की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन में भी दो प्रकार के हमने पढ़े थे, एक निरंतर ह्रासमान फलन। निरंतर ह्रासमान में आपने दो कंडीशन पढ़ी हुई हैं, पहला इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू। एक्स वन अगर एक्स टू से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू से बड़ा होगा। एक तो ये, दूसरी इसी में एक शर्त और आती है जो कि अवकलज से आप देख सकते हैं कि ऐसे फलनों का अवकलज जो होगा उस इंटरवल पे, जिस इंटरवल पर मैं पता लगाना है कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है, उसमें उसका जो अवकलज होगा इट विल बी ऑलवेज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो या आप यूं कह सकते हैं कि उन फलनों का दिए गए अंतराल पे जो प्रथम अवकलज होगा वो नेगेटिव आएगा हमेशा। इसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें कि केवल ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन जिसको आप नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं, इसके लिए भी दो कंडीशन हमने बनाई थी if x1 is less than x2 implies that f of x1 is greater than or equal to f of x2. At that situation f of x2 will be either greater than f of x2 or it will be equal to f of x2. या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, नहीं सॉरी, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। और दूसरी जो अवकलज की ओर से हमने इसकी कंडीशन देखी थी वो ये थी कि दिए गए अंतराल पे फलन का जो प्रथम अवकलज है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो जीरो से छोटा होगा या तो जीरो के बराबर होगा। ये हमने लास्ट टाइम पूरा जो इंट्रोडक्शन किया था उसमें इतनी सारी जानकारी हमने हासिल करी। आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे पहले एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे
और उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। एग्जाम्पल 7 मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपके सामने किताब है तो आप देखें। दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x-3 आर पर एक वर्धमान फलन है। बुक्स में ये आर क्या होगा, तो आर होगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसको भी आपको याद रखना है भाई, ये जो बोल्ड लेटर में आपको आर दिया जाएगा इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब उसमें आपको ये दिखाना है कि ये फलन जो है ये वर्धमान फलन है। हमारे पास इसके कई तरीके हैं ये शो करने के, जैसे वर्धमान हमको दिखाना है, निरंतर वर्धमान तो बोल नहीं रहे, केवल वर्धमान बोल रहे हैं, तो हम चाहें तो इसकी मदद से भी इसको शो कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। समझ आ रहे हैं आपको, हम चाहे इससे शो कर दें या इससे, हम दोनों कंडीशन से आपको करके दिखाते हैं, आप देखिए कैसे किया जाएगा। पहले मेथड 1 देखिए। मेथड 1 में सबसे पहले यहां लिख देंगे माना, हाँ जी 7x-3 है, तो हमने क्या लिखा है, अरे 3x-7, 7x-3, चलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया ऐसा लगा। तो माना x1 व x2 माना x1 व x2 दो वास्तविक संख्याएं, क्योंकि हमें वास्तविक संख्याओं से ही नंबर लेने हैं। माना x1 x2 दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि x1 इज लेस देन x2, यही तो लेना पड़ता है आपको, और रियल नंबर में से मतलब आपको प्रूफ करके दिखाना है, तो रियल नंबर से मैंने मान लिया कि x1 x2 दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि x1 छोटा है और x2 बड़ा है। अब अगर x1 छोटा और x2 बड़ा है, और इसकी हेल्प से अगर आप ये प्रूफ करके दिखा दें, समझ रहे हैं, तो प्रूफ हो जाएगा कि फलन कैसा है, वर्धमान। अगर आप ये भी प्रूफ करके दिखा देते हैं, ये भी प्रूफ करके दिखा देते हैं, तो भी तो वर्धमान ही आ रहा है, बस फर्क इतना है कि वो निरंतर वर्धमान हो जाएगा। पर जब वर्धमान बोला जाता है तो आप ये वाली कंडीशन भी आ सकती हैं, ये वाली कंडीशन भी आ सकती हैं, और जब निरंतर वर्धमान बोला जाएगा तब सिर्फ और सिर्फ यही वाली आनी चाहिए। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? तो अगर वर्धमान बोला जाता है तो वर्धमान में आप ये मत सोचिए कि केवल यही हमको करके दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है, वर्धमान तो ये भी है, वर्धमान तो ये भी है ना, तो दोनों में से कोई सी भी अगर आप करके दिखाते हैं तो फलन वर्धमान मान लिया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली आपको दे दिया गया है कि आप निरंतर वर्धमान ही प्रूव करें, उस वक्त यही करना है, फिर ये नहीं कर सकते आप। केवल वर्धमान देने पर दोनों में से कुछ भी, निरंतर वर्धमान देने पर केवल यही, बस उसके अलावा कुछ नहीं। समझ आ रही है हमारी बात आपको? इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2, तो अब चाहे तो आप ये करके दिखा दो, चाहे तो आप ये करके दिखा दो, दोनों कंडीशन पे फलन को क्या मान लिया जाएगा, वर्धमान मान लिया जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, हम इसमें देख रहे हैं fx क्या होगा, 7x-3, तो क्या आप बता सकते हैं f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी? अगर fx ये है तो f ऑफ x1 कितना बन जाएगा, 7x-3, और f ऑफ x2 की वैल्यू क्या आएगी, 7x2-3। हमको f ऑफ x1 चाहिए और f ऑफ x2 चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे किसी तरह से इससे ये बना दिया जाए, ये बन जाएगा तो ये लिख सकेंगे, ये बन जाएगा तो ये लिख सकेंगे। तो हम एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में पहले 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
दोनों पक्षों में सात से गुणा करने पर, कर दीजिए, 7x1 इज लेस देन 7x2। ठीक है, अब एक काम और करेंगे, दोनों पक्षों में तीन घटाने पर, दोनों पक्षों में तीन घटाने पर तो 7x1 माइनस 3 इज लेस देन 7x2 माइनस 3। दोनों साइड तीन माइनस कर दिया हमने। अब 7x1 माइनस 3 इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स वन, और 7x2 माइनस 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स टू। अब आप गौर से देखिए, हमने क्या माना था कि x1 इज लेस देन x2 है, और इसकी हेल्प से क्या प्रूफ कर दिया, एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स टू, तो ये वर्धमान होने की तो शर्त है। आप देखो कि अगर x1 x2 से छोटा हो तो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से छोटा होगा। x1 x2 से छोटा ही हमने माना और उसकी हेल्प से ये हमने प्रूफ कर दिया, समझ रहे, तो इससे पता चलता है कि दिया गया फलन वर्धमान है। इसलिए दिया गया फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 3 r पर, r पर मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर कैसा है, वर्धमान है। ठीक, अब दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए, दूसरा तरीका जो कि अवकलन से हमारा है, हमें इस फलन का प्रथम अवकलज निकाल लेना चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू है 7x माइनस 3। अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 7। बस एक्स का एक हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स 7 आ गया। अब आप ये मुझे देखकर बताओ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये बड़ा समुच्चय होता है, बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, सारे पूर्णांक भी उसी में आएंगे, नेचुरल नंबर भी उसी में आएंगे, होल नंबर भी उसी में आएंगे, दशमलव वाले भी आएंगे, भिन्न भी आएंगे, केवल काल्पनिक को अगर हम छोड़ दें तो वास्तविक संख्याओं के अंदर सब कुछ आता है। अब इतना बड़ा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, क्या उसमें से कोई नंबर आप ऐसा ला सकते हो जो अगर हम इसमें रख देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाए, निगेटिव हो जाएगी, कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो? देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इसमें एक्स है ही नहीं कहीं, पहली बात तो आप कुछ ला के रखने का कोई फायदा नहीं है आपके। और एफ डैश एक्स आप देखो एक कॉन्स्टेंट टर्म है और वो भी कैसा है, पॉजिटिव है, देख रहे हैं। और एफ डैश एक्स जब पॉजिटिव होता है उस समय फलन कैसा होता है, वर्धमान होता है। तो यहां लिख देंगे क्योंकि आर पर मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर एफ डैश एक्स कैसा है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, या हम यू लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आर पॉजिटिव, और ये वर्धमान होने की शर्त है। इसलिए R पर f ऑफ x वर्धमान फलन है। तो इस तरह से आप इस मेथड से भी देखो दिखा सकते हो, आप इस मेथड से भी दिखा सकते हो, f डैश x जो निकाला था इसमें क्योंकि x आता ही नहीं है तो आप रखोगे ही क्या, आप x की जगह कुछ भी ले लोगे, कोई भी रियल नंबर ले लोगे, यहां कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, मतलब ये आज भी पॉजिटिव है और ये कोई भी रियल नंबर आप x की जगह ले लोगे उसके बाद भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, जीरो भी नहीं हो सकता कभी, तो ये हमेशा जीरो से बड़ा ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और ये शर्त है वर्धमान होने की। इसलिए आर पर फलन वर्धमान है, बस इतना शाम को कर देना है, तो आप नोट कर लें इसे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 है,
दिखाइए कि प्रदत्त फलन f एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब यहां जो आप x देख रहे हैं वो वास्तविक संख्याओं में से एक नंबर है, कोई वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग करता है, r पर वर्धमान फलन है। आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो फलन दिया गया है ये r पर वर्धमान फलन है। देखिए जब फलन क्यूबिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, अभी आपको मेथड वन मेथड टू हमने करके दिखाए थे, उसमें से एक जो मेथड वन था इसमें मैंने माना था एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, और फिर उसके हेल्प से सात से गुना किया, तीन माइनस किया दोनों साइड, और ये करके दिखा दिया कि एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स टू। आप याद रखिए वो प्रोसीजर केवल आप लीनियर फंक्शन के लिए ही करेंगे। लीनियर फंक्शन मतलब जिनमें एक्स की एक घात होगी, जिनमें एक्स की दो घात तीन घात आ जाएगी वो मेथड नहीं रहेगा फिर आपका। फिर आपका कौन सा मेथड काम करेगा? अवकलन वाला मेथड, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे फिर आप उसका, समझ रहे हैं? तो x1 इज लेस देन x2 वाला कब लगाना है? जब आपका दिया गया फलन रैखिक होगा, मतलब उसमें वेरिएबल की एक पावर होगी, और अगर वेरिएबल की पावर दो तीन चार ऐसा दे दी जाएगी फिर आप वो वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। फिर आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? अवकलज वाला तरीका यूज करेंगे। तो ठीक है, अवकलज वाला तरीका यूज करेंगे तो उसके लिए फलन का अवकलन करना पड़ेगा ना, तो हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x इज इक्वल टू x क्यूब के लिए 3x स्क्वायर, इसका क्या होगा 6x प्लस 4, इसका 6x आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। देखो क्या हम इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अगर हम तीन कॉमन ले लेंगे यहां से। हाँ ठीक है, देखो बेटा इसको माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 4 को 3 प्लस 1। अब ये जो तीन टर्म्स है ना इनसे आप तीन कॉमन कर लीजिए, तीन कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन, प्लस वन ये बचा रहा, ये थ्री हमने लिख दिया, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस वन, ये क्या बन गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, और यहां पर क्या लिख दिया हमने वन, ये क्या आ गया एफ डैश एक्स। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए एक्स रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो आपकी नजरों में क्या कोई रियल नंबर ऐसा है? अभी ये कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव? अभी तो हमको पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं माइनस बाहर नहीं दिखता, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं x की जगह ऐसा ना हो जाए कि कुछ रख दें तो टर्म माइनस का चला जाए। तो अब आप सोच के बताओ कि क्या x की कोई वैल्यू रियल नंबर में से ऐसी ला सकते हैं आप जिसको यहां रखा जाए और माइनस का हो जाए? ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्यों? आप कुछ भी लाओगे, कितना भी बड़ा माइनस का नंबर आप x की जगह लिख दो यहां, लेकिन उसका क्या लगा हुआ है स्क्वायर माइनस को खा जाएगा, कितना भी बड़ा माइनस नंबर आप रख लोगे आके, समझ रहे हैं आप? कितना भी माइनस का बड़ा नंबर आप रख दो एक उसके साथ जुड़ सकता है, पर जब वो स्क्वायर होने जाएगा ना तो माइनस बचेगा ही नहीं। इसका मतलब ये टर्म कैसा है? पॉजिटिव। ये वाला टर्म कैसा है? पॉजिटिव। और x का कोई मान इसको बदल सकता है क्या? मतलब इसमें तो x ही नहीं है तो उसको क्यों बदलेगा? तो ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव पदों का योग कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब है f डैश x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप x की जगह एक लिख दोगे ना तो केवल ये टर्म जीरो हो जाएगा पर ये वन बना रहेगा।
तो f डैश x का मान कभी जीरो भी नहीं हो सकता, देखो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज f डैश x इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. जितने भी x वास्तविक संख्याओं से आप ले आइए, उन सब के लिए आपका f डैश x हमेशा कैसा रहेगा, जीरो के, जीरो से बड़ा, और जीरो से बड़ा रहेगा इसका मतलब दिया गया फलन कैसा है, वर्धमान है. अतः दिया गया फलन R पर वर्धमान है. अब ये बताएं क्या ये क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको, बस आपको f डैश x से चेक करना है, अगर जीरो से बड़ा आ रहा है x की किसी भी वैल्यू के लिए तो फिर वो वर्धमान है. ठीक है, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर आपका 8. एग्जाम्पल नंबर 9 भी हम यहीं पर कर ले रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन fx इज इक्वल टू cos x. एक फलन दिया गया है fx इज इक्वल टू cos x और कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि ये जो फलन है ना, पार्ट ए है, जीरो ओपन इंटरवल 0 टू पाई में ह्रासमान है, ओपन इंटरवल पाई से 2 पाई में वर्धमान है, और ओपन इंटरवल 0 टू 2 पाई में ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है. इंटरवल्स हम बाद में नोट कर लेंगे. सबसे पहले क्या करना है, इसका अवकलज कर लो आप. ठीक है, क्योंकि अवकलज से ही हम कुछ भी कर सकते हैं. तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, x के सापेक्ष अवकलन करिए, f डैश x इज इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x. ये डेरिवेटिव हमने कर लिया. अब f डैश x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ऐसे कैसे कह सकते हो आप, हो सकता है sin x का मान नेगेटिव आ जाए, ऐसा कोई कोण रख दें हम यहां पर x की वैल्यू कि sin x नेगेटिव हो जाए और ये नेगेटिव फिर क्या बन जाए, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि नेगेटिव ही आएगा. समझ रहे हैं, अब अवकलन कर लिया. अब हम क्वेश्चंस में वो जो पार्ट दिए हैं ना उनको एक एक करके लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है. सबसे पहले दिया ओपन इंटरवल 0 टू पाई में, ओपन इंटरवल 0 टू पाई में, इसमें f डैश x बताइए कैसा होगा, 0 से लेकर पाई तक, मतलब 0 से 180 डिग्री तक. आप थोड़ा सा याद होगा बेटा, अगर आपको ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई है और ये 3 पाई बाई 2 है और ये फिर से क्या है 2 पाई. ठीक है, तो 0 से पाई तक की बात की जा रही है इस इंटरवल के. 0 से पाई तक पहला और दूसरा चतुर्थांश आता है, दोनों में ही साइन कैसा होता है, पॉजिटिव. अब अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन कैसा है, पॉजिटिव, आगे कैसा लगा है, नेगेटिव, तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस. इसका मतलब है जीरो से पाई वाले इंटरवल पे एफ डैश एक्स कैसा होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव. समझ आ रहा है आपको, जीरो से पाई के बीच के जितने भी एंगल्स हैं उन सब के लिए हमारा एफ डैश एक्स कैसा आएगा, माइनस ही आएगा. अगर माइनस में आएगा एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा. अब एफ डैश एक्स नेगेटिव है इसका मतलब फलन कैसा है, ह्रासमान है. निरंतर तो बोला नहीं है तो हम सीधे ऐसे लिख देंगे, इसलिए अंतराल 0 टू पाई में प्रदत्त फलन ह्रासमान, प्रदत्त मतलब दिया गया फलन. ठीक है, बी पार्ट उठा लो आप, लिखा 0 से 2 पाई में वर्धमान, सॉरी पाई से 2 पाई में वर्धमान है, ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई, तो वर्धमान है ह्रासमान है ये तो डिसाइड करेगा एफ डैश एक्स. तो पाई से 2 पाई में एफ डैश एक्स के बारे में पहले बताइए,
पाई से लेकर 2π के बीच इस वाले इंटरवल पे, इस वाले इंटरवल में आता है तीसरा और चौथा चतुर्थांश। इन दोनों चतुर्थांशों में साइन फलन कैसा होता है? माइनस। अब साइन अगर माइनस होगा, ये तो माइनस है ही, एक माइनस और आगे लगा है, तो दो माइनस हो गए, मिलके क्या बना लेंगे, तो हमारा एफ डैश एक्स कैसा आ जाएगा? प्लस। तो एफ डैश एक्स आएगा पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स का पॉजिटिव आना इस बात का संकेत है कि दिया गया फलन कैसा है? वर्धमान। लिख देंगे इसलिए अंतराल ओपन इंटरवल पाई टू 2π में प्रदत्त फलन कैसा है बेटा? वर्धमान है। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट पे आ जाते हैं। लिखा है 0 से 2π पे, 0 से 2π अब आप थोड़ा गौर कीजिए, देखो 0 से 2π की अगर पूरी बात करेंगे तो 0 से π तक तो रहेगा कैसा? ह्रासमान। पाई से 2π तक कैसा होगा? वर्धमान। तो आधी आधे अंतरालों तक वो कैसा है? ह्रासमान, और आधे अंतरालों तक वर्धमान है। और ऐसे सिचुएशन पे लास्ट क्लास में हमने बताया कि कोई इंटरवल अगर ऐसा दे दिया जाए जिसमें फलन ह्रासमान भी हो वर्धमान भी हो, तो आप लिख सकते हो कि उस अंतराल पर दिया गया फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। 0 से 2π में फलन, इसको आप कैसे लिखोगे? 0 से 2π में फलन, आप चाहें तो इसका ग्राफ बना के आप दिखा दीजिए। एफ डैश एक्स को ही तो देखना है आपको, चलो ठीक है रहने देते हैं। 0 से 2π में फलन कभी ह्रासमान है तथा कभी वर्धमान है, इसलिए अंतराल 0 से 2π में प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। आप ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। तो जब अंतराल दिए जाएं तो इस तरीके से आप करोगे उस क्वेश्चन को। आप नोट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 पर आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 पर है, अंतराल ज्ञात कीजिए। देखिए अभी सवाल का जो पैटर्न है थोड़ा बदल रहा है क्वेश्चन का। अभी तक क्या होता था, आपको ये केवल बताना होता था फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। अब आपको फलन में से ना सीधे अंतराल भी पता लगाने हैं। तो लिखा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन f वर्धमान है और ह्रासमान है। फलन आपको दे दिया गया है, आपको इस फंक्शन की हेल्प से वो इंटरवल्स पता लगाने हैं जिनमें ये वाला फलन वर्धमान है, वो वाला अंतराल भी पता लगाना है, और जिनमें ये वाला फलन ह्रासमान है ना, वो वाला अंतराल भी आपको पता लगाना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है? अंतराल मालूम करना है। अभी तक जितने क्वेश्चन लगाए उनमें सब में हमने फलन को वर्धमान या ह्रासमान प्रूव करके दिखाया, अंतराल नहीं निकालने पड़े हमको किसी में। अब इस क्वेश्चन में इंटरवल निकालना है, तो तरीका देखो कि कैसे करते हैं, क्योंकि ह्रासमान और वर्धमान फलनों में ना इसी टाइप के दो ही प्रकार के सवाल मिलेंगे बस आपको। या तो अंतराल वो देगा आपको फलन वर्धमान या ह्रासमान बताना है, या तो वो फलन दे देंगे और आपको अंतराल पूछेंगे। अब आपसे अंतराल पूछा जा रहा है तो उसको कैसे करिएगा आप, ये देखिए। सबसे पहले जो फलन दिया है उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे,
तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे f डैश x, ये आएगा 2x माइनस 4, ये आ जाएगा। उसके बाद f डैश x को आप 0 के इक्वल रखेंगे, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा ये वो नंबर पता चलेगा जो नंबर पूरे रियल नंबर के सेट को दो असंयुक्त भागों में विभाजित कर देगा। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। अब f डैश x इज इक्वल टू 0 लेने पर f डैश x की जगह पर यह लिखोगे 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना देंगे, नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और x की केवल एक वैल्यू आई है और वो भी क्या है 2, ये 2 कहीं यहां पड़ेगा, फिर यहां 1 आएगा 0 आएगा, ऐसे वो सारे नंबर होंगे, हमें जिससे मतलब है केवल हमने वो ले लिया बस। अब ये जो हमारा रियल नंबर का लाइन है नंबर लाइन, इस नंबर लाइन में जैसे ये 2 आया आप देख सकते हैं पूरी की पूरी नंबर लाइन दो डिसज्वाइंट पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, असंयुक्त भाग में, मतलब उन भागों में कोई भी नंबर दूसरे भाग के नंबर से कॉमन नहीं है, ये एक पार्ट अलग बन गया, ये एक पार्ट अलग बन गया, समझ रहे हैं हमारी बात। अब यहां पर हमने सबसे पहले संभव अंतराल बनाने हैं, आता संभव अंतराल मतलब जितने इंटरवल पॉसिबल हैं, कितने इंटरवल पॉसिबल है वो सब बना लो पहले आप, एक माइनस इन्फिनिटी से 2 का देखो भैया, और दूसरा 2 से इन्फिनिटी का, संभव अंतराल है माइनस इन्फिनिटी से 2 तथा दूसरा कौन होगा 2 से इन्फिनिटी, और याद रहे ओपन इंटरवल लगाएंगे आप, क्यों, क्योंकि हमको 2 भी नहीं चाहिए, 2 पर तो f डैश x कैसा है 0 है, इसलिए 2 भी नहीं चाहिए, तो हम 2 के लिए ओपन इंटरवल लगा रहे हैं। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में अंतराल दिया जाए साथ में और उसकी तरफ क्लोज इंटरवल लगा हो तो फिर आप उसकी तरफ क्लोज ही लगाएंगे, अभी करेंगे ऐसे सवाल आएंगे, पर यहां पर एक अंतराल बना माइनस इन्फिनिटी से 2 का और दूसरा बना 2 से प्लस इन्फिनिटी का। अब दोनों अंतरालों पर आपको चेक करना है, सबसे पहले अंतराल माइनस इन्फिनिटी टू 2, अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 2 पर f डैश x के बारे में बताइए, ये जो आपका इंटरवल है इस इंटरवल पे f डैश x की वैल्यू कितनी होगी हमें मतलब ही नहीं है, उसका निशान कैसा होगा हमें इससे मतलब है, क्योंकि निशान डिसाइड कर देगा कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो इस इंटरवल पर f डैश x का निशान बताइए, अब आप सोचोगे ये कैसे बताएं, बड़ा सिंपल, इस अंतराल का कोई भी नंबर, इतना भारी इंटरवल है, कोई भी नंबर आपकी मर्जी आ जाए वो ले लो, उसे f डैश x में रख दो जा करके, देख लो माइनस आता है कि प्लस आता है, कोई भी नंबर ले लो यार, इतना बड़ा अंतराल है इसका, इसके पहले 1 आया होगा, उसके पहले 0, फिर -1 -2, बहुत सारे नंबर आए होंगे, उनमें से मैं बोल तो रहा हूं कोई भी नंबर अपने मन में ले लो, वो नंबर को आप f डैश x में रख दो और चेक कर लो कि निशान कैसा आएगा। तो इस अंतराल में 0 पड़ेगा एक जगह पर, 0 ले लो, इजी है सबसे, अब आप सोचोगे 0 ले रहे हो यही कि मारे आ रहा है, ऐसा नहीं है, मैं बोल तो रहा हूं आपसे कुछ भी ले लो, तो हम 0 क्यों ले रहे हैं फिर, क्योंकि सबको आसान पड़ेगा, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि 0 से चेक करना सबको इजी पड़ेगा। तो x की जगह अगर 0 ले लोगे आप और f डैश x, याद रहे कहां रख के चेक करना है, fx में नहीं, f डैश x में, जैसे ही आपने 0 लिया ये टर्म खत्म, वैल्यू कैसी आई -4, तो मैंने बोला मान कितना आएगा आई डोंट केयर, मान कैसा आएगा, व्हाट विल बी इट्स नेचर, इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बस इससे हमें केवल मतलब है। तो वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव आ गई। क्या आपको पता लग गया कि दिया गया फलन इस अंतराल पर कैसा है, ह्रासमान। अतः अंतराल
माइनस इन्फिनिटी टू टू पर प्रदत्त फलन ह्रासमान है। अब एक अंतराल और बचा हुआ है, दो कॉमा इन्फिनिटी, उस इंटरवल पर भी जरा चेक कर लो। अंतराल टू कॉमा इन्फिनिटी पर एफ डैश एक्स, इसको बताइए कैसे चेक किया जाए। दो से और इन्फिनिटी के बीच एक आध या दो चार दस नंबर नहीं आते, असंख्य नंबर आते हैं, उनमें से कोई भी एक नंबर उठाओ और एफ डैश एक्स में रख दो जो आपको अच्छा लगता है। बताइए दो और अनंत के बीच कौन सा नंबर रख दिया जाए, तीन रख दिया जाए, जो मर्जी, दस रख दें, इसके बीच दस भी तो आएगा कहीं ना कहीं, दस लिख लो, दस दुना बीस माइनस चार कितना आएगा ये मत बताओ, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा बस इसको बताओ, पॉजिटिव आएगा, क्या पता लग गया। इसलिए अंतराल टू कॉमा इन्फिनिटी पर प्रदत्त फलन वर्धमान है। अब देखो यही तो पूछा जा रहा था, कह रहे थे वो अंतराल बताओ जिन पर दिया गया फलन वर्धमान है और जिन पर दिया गया फलन ह्रासमान है। तो ये वो अंतराल है दो कॉमा इन्फिनिटी जिस पर दिया गया प्रदत्त, जिस पर दिया गया फलन वर्धमान है, और अंतराल माइनस इन्फिनिटी टू टू के टू पर दिया गया फलन ह्रासमान है। पता लग गया हमको, तो अंतराल जिस क्वेश्चन में निकालना होगा ये उसका तरीका होगा। क्या आपको समझ नहीं आया तरीका ये, तो आप इसे नोट कर लें, इसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 है, वे अंतराल ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपको अंतराल ज्ञात करना है। वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 72x प्लस 30 द्वारा प्रदत्त फलन f वर्धमान है और ह्रासमान है। सेम क्वेश्चन एज यू हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 10, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया आपने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वेयर, एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो ये 12x बन जाएगा, माइनस 72 और 30 का 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है इसको बना रहने दीजिए। अच्छा उसके बाद क्या किया गया था, एफ डैश एक्स को 0 ले लेते हैं, एफ डैश एक्स की जगह पर ये लिखा जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0, 12 कॉमन कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये 12 तो उधर भाग में चला जाएगा, तब तक इसके गुणनखंड कर लो आप, 3 × 6 और यहां माइनस का निशान है इसलिए घटा के 1 आना चाहिए, तो 3 − 2 करके लाओगे आप, और इस तरीके से इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे x − 3, x + 2 इज इक्वल टू 0, समझ आ रहे हैं आपको, ये इसके गुणनखंड बन के आ जाएंगे। अब जब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो एक वैल्यू आएगी +3 और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी −2, एक्स की दो वैल्यूज आ गई। फिर से नंबर लाइन पे सेट कीजिए इनको, ये आपको बताएगा कि अंतराल कौन से बनाने हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 3 रखना है और −2 रखना है। मान लिया कि यहां 3 है, −2 कहां लिखा जाए, 3 के इस साइड राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि -2 इससे छोटा है, ये −2, कितने पॉसिबल इंटरवल्स बने, 3, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, दीज आर द 3 पॉसिबल इंटरवल्स, तो संभावित अंतराल बना लिए जाएं।
कौन कौन से बन गए संभावित अंतराल? एक बन गया ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, एक हुआ माइनस टू टू थ्री, और थर्ड वाला हो गया ओपन इंटरवल थ्री टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब बारी बारी से एक एक अंतराल पर चेक करते जाइए कि आपका एफ डैश एक्स का साइन कैसा आएगा। इसको ना आप ऐसा थोड़ा सा कर लो, 12 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स आएगा, और उसका गुणनखंड करने से ये आया था एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ऐसे थोड़ा इजी पड़ेगा आपको वैल्यू लिख के पहचानना। सबसे पहले एक एक अंतराल उठाते जाएंगे, अंतराल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू पर बताइए एफ डैश एक्स का निशान कैसा होगा। माइनस अनंत से माइनस दो, इनके बीच का कोई भी नंबर आप ले लो और उसको एफ डैश एक्स में लिख दो जाके। क्या लेना चाहेंगे, इसके बीच कौन कौन से नंबर आएंगे? माइनस दो से छोटे माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच, क्या लिख दें बताओ? माइनस तीन ही लिख लो, माइनस तीन लिखो। यहाँ देखो माइनस तीन यहाँ लिखोगे, माइनस तीन मिलके माइनस छः हुआ माइनस, यहाँ माइनस तीन लिखोगे माइनस थ्री प्लस टू, ये भी माइनस वन आ गया, तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, दो निगेटिव को मल्टीप्लाई होगा फिर उसके बाद पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स कैसा हो गया? एफ डैश एक्स पॉजिटिव लिख देंगे, आता है अंतराल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू पर प्रदत्त फलन कैसा है भाई? वर्धमान है। अब दूसरा इंटरवल उठा लीजिए, अंतराल माइनस टू कॉमा थ्री पर एफ डैश एक्स के बारे में बताइए। माइनस दो से तीन के बीच बहुत सारे रियल नंबर आएंगे, आप कौन सा लेकर चेक करना पसंद करेंगे? इसके बीच में एक जीरो भी आएगा, आएगा तो जीरो से चेक कर लो, या दो भी आएगा एक भी आएगा किसी से भी चेक कर लो, एक से चेक कर लो। अच्छा एक लिखोगे, एक माइनस तीन क्या बन जाएगा? माइनस की प्लस, एक में तीन माइनस करोगे माइनस दो आएगा नेगेटिव, एक प्लस दो प्लस तीन पॉजिटिव, ये माइनस का टर्म बनेगा, ये प्लस बनेगा, माइनस गुणे प्लस माइनस आ जाएगा। अतः अंतराल माइनस टू टू थ्री पर प्रदत्त फलन ह्रासमान है। एक और अंतराल हमको मिल रहा है थ्री टू इन्फिनिटी, इस अंतराल पर बताइए तीन से अनंत के बीच का कोई भी नंबर ले लो, चार ले लो आप, इस पर देखो चार माइनस तीन क्या हुआ? माइनस की प्लस, प्लस चार प्लस दो क्या हुआ? प्लस छः हुआ, लेकिन हमें निशान से मतलब है, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस गुणे प्लस माइनस प्लस, तो एफ डैश एक्स कैसा आ गया? इसका क्या मतलब निकलता है? आता अंतराल थ्री कॉमा इन्फिनिटी पर प्रदत्त फलन कैसा है? वर्धमान है। तो हमें पता चल गए, वो वाले अंतराल भी पता चल गए जब फलन वर्धमान है, और वो वाले अंतराल भी पता चल गए जब फलन ह्रासमान है। दो अंतरालों पर फलन वर्धमान है और एक इंटरवल पर फलन ह्रासमान है। तो हो सकता है साइन फलन कल हमने दिखाया आपको, उसमें कई अंतराल ऐसे मिलेंगे जहां पर वर्धमान मिलेगा, और बहुत अंतराल ऐसे मिलेंगे जहां फलन ह्रासमान मिलेगा। तो एक से ज्यादा अंतरालों पर फलन वर्धमान और एक से ज्यादा अंतरालों पर फलन ह्रासमान भी हो सकता है। आप ये नहीं सोचेंगे कि एक बार वर्धमान और एक बार ह्रासमान हो चुका तो आप क्या होगा,
आप याद करिए साइन फलन को कल ग्राफ बनाया हमने, एक से ज्यादा इंटरवल पर वो वर्धमान हो सकता है, एक से ज्यादा इंटरवल पर वो ह्रासमान हो सकता है, पॉसिबल है। नोट कर लें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 लगा लिया एग्जाम्पल हमने। उसके बाद एग्जाम्पल 12 करते हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इस एग्जाम्पल नंबर 12 में है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें प्रदत्त फलन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। थोड़ा गौर कीजिए जरा, अभी तक आप कोई सवाल लगाते थे उसमें लिख देते थे बगल में एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब होता था हमारा जो x है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से समुच्चय को बिलोंग करता है। अब x की जगह वास्तविक संख्याओं में से कोई भी चीज ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो x है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 को बिलोंग करता है। इसका मतलब आप x की जगह 0 ले सकते हैं, आप x की जगह π/2 भी ले सकते हैं, और आप x की जगह 0 और π/2 के बीच के नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन चार करके भी आप x का मान 0 से छोटा नहीं ले सकते, आप 90 से ऊपर नहीं ले सकते। तो जो भी इंटरवल्स आपके बनेंगे ना, वो आपको 0 और 90 तक ही बनाने पड़ेंगे, 0 से 90 तक ही बनाने पड़ेंगे, 0 से छोटे नहीं बनाएंगे जाके आप, 90 से बड़े नहीं बनाएंगे। जैसे रियल नंबर में ले लेते थे पूरी नंबर लाइन, फिर माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये छूट नहीं है आपको इस बार, आपको लिमिटेड कर दिया गया है, आपको सीमित कर दिया गया है कि आप जब अपने इंटरवल बनाएं तो 0 से लेकर और π/2 तक ही बना सकते हैं, 0 से छोटे में नहीं जाएंगे आप, π/2 से ऊपर सोचेंगे नहीं आप, इन्हीं के बीच में अगर आपके इंटरवल बनते हैं तो बनाइए, नहीं बनते हैं तो छोड़ दीजिए, आपको यही करना है बस। तो चलिए देख लेते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम फलन का अवकलन करेंगे। मेरी बात कुछ समझ में आई जो हमने बताया अभी तक आपको, कि रियल नंबर में क्या होता था, लेके माइनस अनंत से प्लस अनंत तक आपको छूट रहती थी, कोई भी इंटरवल बना सकते हो आप, बट आज यहाँ ऑलरेडी आपको सीमित कर दिया गया है, बाउंडेड है आप, कि 0 से π/2 तक ही इंटरवल बना सकते हैं, 0 से छोटा ले नहीं सकते, π/2 से बड़ा ले नहीं सकते आप। चलिए सबसे पहले अवकलन करिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स, साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 3x और 3x का क्या आएगा 3, एफ डैश एक्स की ये वैल्यू आ गई बेटा। अब इसके बाद क्या करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, एफ डैश एक्स की जगह पर ये लिखोगे आप 3 cos 3x इज इक्वल टू 0, पहले 3 उधर भेज दो, cos 3x इज इक्वल टू 0 आएगा। अब cos में 0 किसकी किसकी वैल्यू होती है, cos 3x इज इक्वल टू cos π/2 की वैल्यू भी 0 होती है, cos 3π/2 की वैल्यू भी तो 0 होती है, 3π/2 मतलब 270 डिग्री, cos 270 का मान भी 0 होता है। अब आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अभी तक तो कह रहे थे 0 से छोटा और 90 से ऊपर नहीं ले सकते, अब आप तो 270 लिए ले रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं क्या, नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, अरे आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसका जवाब ये है कि ये 3x की वैल्यूज है। देखो अभी आप चेक करो, जब आप कंपेयर करोगे तो 3x इज इक्वल टू π/2 लिखोगे, 3x इज इक्वल टू 3π/2 लिखोगे, और यहां x के लिए बोला गया है, समझ आ रहा है। तो आप जितने संभव मान हैं 0 से 2π में सब निकाल लो, जो हमारी रेंज के बाहर जाएगा उसको छोड़ने में कोई 1 घंटा लगता है क्या, क्रॉस कर देंगे, छोड़ देंगे वहीं से उसको। आपको हमारी बात समझ में आ रही है कि जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं लगा के 0 से 260 के बीच की सब ले लो आप, जो हमारी रेंज से बाहर हो जाएगा हम उसको छोड़ देंगे,
ऐसा कोई तो है नहीं कि अगर निकाल लिया है तो अब मजबूरी हो गई जबरदस्ती तो हमें वो नंबर लेना ही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो नंबर हमारी रेंज से बाहर जाने लगेगा हम उसको छोड़ देंगे जब हमें लगेगा कि यह गड़बड़ कर रहा है कुछ। तो ठीक है, तुलना करिए अब इसकी, 3x किसके बराबर आएगा? तुलना करने से 3x जो होगा पाई बाई टू तथा किसके बराबर आ जाएगा? 3 पाई बाई टू। हमें तो x चाहिए, x निकाल लो आप, तीन वर्ग भाग में जाएगा पाई बाई सिक्स तथा तीन का जब इसमें भाग देने जाओगे तीन से तीन कट जाएगा, क्या आ जाएगा? पाई बाई टू। देखो देखो कि इनमें से कौन सा एंगल है जो दिए गए एक्स के मानों से रेंज से भी बाहर चला जा रहा है। वो ये पाई बाई सिक्स है, दैट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री 0 90 के बीच में ही पड़ता है, इट इज नॉट आउट ऑफ रेंज। 90 पाई बाई टू, पाई बाई टू के साथ क्लोज इंटरवल बना है, मतलब पाई बाई टू हमको लेना है, तो ये भी बाहर नहीं है। जो एक्स की रेंज दी गई है उससे ये भी बाहर नहीं है, तो x की दोनों वैल्यूज ले सकते हैं। तो निकाल सब लो, अगर बाय चांस यहां से कोई नंबर हमें लगता कि आउट ऑफ रेंज है तो हम इसको वहीं से क्या कर देते, छोड़ देते। नंबर को छोड़ने में कोई 2-4 घंटे थोड़ी लगते हैं, 1 सेकेंड नहीं लगता, ऐसे कर देते और आपसे बोल देते कि हटाओ इसको नहीं लेना बस। अब इंटरवल बनाओ, अभी तो अंतरवल नहीं बनाया आपने, अब इंटरवल बनाइए। बताइए यहां क्या लिखा जाएगा? प्लस इंफिनिटी। क्यों, रियल नंबर में बना रहे हो क्या? एक्स आपकी बाउंड्री है, 0 से शुरू करके सिर्फ कहां तक जा सकते हैं, तो इधर बाउंड्री क्या काहे की है? पाई बाई टू। और इधर इस बार प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं लेना आपको, समझ आ रही है? शुरू में ही मैंने कहा था आपसे। अच्छा, अब बीच में दो नंबर आ गए, पाई बाई सिक्स और पाई बाई टू, पाई बाई सिक्स और पाई बाई टू, तो यह है ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि एक इंटरवल ये बनेगा और एक इंटरवल ये बनेगा, बस दो ही तो बन पाएंगे। तो संभव अंतराल, संभव अंतराल कौन से बने? एक बना। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा, 0 यहां पर है और 0 की तरफ कौन सा इंटरवल लगा हुआ? क्लोज। तो अब आप अपने मन से इसको ओपन नहीं कर सकते, जैसे इन्फिनिटी में कर देते थे, ये नहीं करेंगे। पहला इंटरवल ये तो लेना चाहते हैं ना, पहला इंटरवल आप 0 to π/6 बनाना चाहते हैं। अब 0 की तरफ क्या लगाना है? क्लोज्ड इंटरवल। और इधर की तरफ आप उधर ओपन लगा लो आप, ठीक है। ऐसे, या दूसरा अंतराल कौन सा बनेगा? दूसरा अंतराल बनेगा पाई बाई सिक्स कॉमा पाई बाई टू और इसकी तरफ क्लोज्ड, क्योंकि जब उन्होंने लगाया तो हम क्यों उसको हटाएंगे, ये हमारे संभावित अंतराल बने। अब इन अंतरालों पर आपको एफ एक्स को चेक करना है। अंतराल 0 to π/6 में एफ डैश एक्स की बात करिए, 0 से 30 के बीच में, बताइए आपका एफ डैश एक्स यानी कि ये कैसा रहेगा? देखो 0 से 30 डिग्री तक के सारे कोण पहले चतुर्थांश में हैं, और पहले चतुर्थांश में कॉस फंक्शन कैसा रहता है? पॉजिटिव। इसलिए ये कैसा बना रहेगा? पॉजिटिव। या और कुछ हो जाएगा, एक्स ठीक तो है, अगर 0 से 30 के बीच का कोई भी एंगल लोगे, अगर आपने 25 डिग्री भी ले लिया बाय चांस, एक मान लीजिए आप 0 से 30 में 25 आता है कि नहीं आता, 25 भी ले लिया आपने, तो यहाँ x की जगह 25 लिखोगे तो बनेगा cos 75, और cos 75 पहले चतुर्थांश में ही तो होगा, 90 से छोटा है, cos कैसा आएगा? प्लस।
अगर ये प्लस आएगा तो पूरा एफ डैश एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। और एक चीज देखो, अगर यहां जीरो लिख देंगे आप तो क्या होगा, कॉस जीरो का मान क्या होता है भाई, क्योंकि इस बार जीरो की तरफ क्या लगा हुआ है, क्लोज, तो आप जीरो भी तो ले सकते हो ना इस बार। जीरो से लेके आप देख लो, जीरो से अगर आप लेके देखोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, और उस वक्त भी ये कैसा रहेगा, प्लस। तो आपको कैसा दिख रहा है, ये कैसा होगा, पॉजिटिव। इसलिए अंतराल 0 to π/6 में प्रदत्त फलन वर्धमान है। अब दूसरा वाला इंटरवल चेक कर लो, अंतराल π/6, π/2, इसमें एफ डैश एक्स के बारे में बताइए। 30 से 90 तक, 30 नहीं लेना है, 90 ले सकते हो आप, उसके बीच के सारे नंबर लेना। बाई चांस आपने कोई भी नंबर ले लिया, 60 ले लिया, 30 और उसके बीच 60 एक आता है, आप 60 ले लो एक्स की जगह, एक्स की जगह 60 लिखोगे तो 60 तिया कितना बनेगा, 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो एफ डैश एक्स कैसा हो गया, माइनस में आ गया। और एक चीज, आप π/2 भी तो ले सकते हो, वो क्लोज लगा इंटरवल, अगर क्लोज लगा तो π/2 ले लिया तो ये 3π/2 बनेगा, और cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब ये हुआ, इस अंतराल पे f डैश x माइनस का तो है ही, 0 भी हो सकता है। देखो जरा आप, अभी ये बात नहीं समझ में आई, चेक करो, 30 और 30 से आगे और 90 तक मैं कोई भी एक कोण ले लिया, मैं 60 ले लिया बाई चांस, 60 लेके यहाँ रखा, 60 × 180, कॉस 180 का मान -1, और ये कैसा हो गया, माइनस। एक चीज समझ में आ गई कि एफ डैश एक्स कैसा है, माइनस, पर आप इसमें π/2 भी तो ले सकते हो, क्योंकि इसकी तरफ क्लोज इंटरवल बना है, तो जब π/2 लिखोगे जाके एक्स की जगह तो ये बन जाएगा कॉस 3π/2, और कॉस 3π/2 की वैल्यू 0, तो एफ डैश एक्स कैसा आ गया, 0। इसका मतलब है इस अंतराल पे हमारा जो फलन एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव भी है और 0 भी है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नेगेटिव भी है 0 भी है, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, और जब एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 होता है तो फलन कैसा होता है, ह्रासमान। इसलिए अंतराल π/6, π/2 में प्रदत्त फलन ह्रासमान है। हमने वो अंतराल भी पता लगा लिया जब फलन वर्धमान है, और हमने वो अंतराल भी पता लगा लिया जब फलन ह्रासमान है। क्या आपको समझ में आया, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे इसमें x की वैल्यू को ऐसा दिया जाएगा, तो हर बार इन्फिनिटी से अंतराल बनेगा ऐसा नहीं है, ऐसे भी बनाया जाएगा, आप नोट कर लें इसे। और ये हमने कौन से क्वेश्चन के लिए, एग्जाम्पल नंबर 12, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। एक एग्जाम्पल बचा है 13 नंबर, उसको हम कर लेते हैं अगली क्लास, ठीक है। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, और ये 13 नंबर एग्जाम्पल भी करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.2 भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे, थैंक यू।